उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू मलेरिया अपने पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं कई जिलों में डेंगू मलेरिया के तमाम मरीज दम भी तोड़ चुके हैं, तो बड़ी संख्या में लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं। इन बीमारियों की वजह है बस्तियों में साफ सफाई ना होना और मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए नियमित कीटनाशक का छिड़काव ना होने समेत लोगों में जागरूकता का अभाव होना। तो वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद में एक गांव ऐसा भी है जहां पिछले 2 सालों से एक भी डेंगू मलेरिया का मामला सामने नहीं आया है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अमृत विचार की टीम उस गांव तक पहुंची और ग्राउंड जीरो पर यह जानने की कोशिश की कि आखिर मुरादाबाद के इस गांव में यह कैसे संभव हो सका है। हमारी टीम जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे लालपुर गंगवारी गांव पहुंची तो वहां मालूम हुआ कि 6000 की आबादी वाले इस गांव में कुछ जागरूक लोग आए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए साफ सफाई के साथ ही कीटनाशक और एंटी लार्वा का छिड़काव करना शुरू किया। 2 साल पहले इस गांव में एक टीम ने यह संकल्प लिया कि वह गांव में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। तब से लगातार हर रविवार को लोग इकट्ठा होकर साफ सफाई के साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव कराते हैं, जिसकी वजह से गांव में एक भी डेंगू या मलेरिया का मरीज नहीं है। यही वजह है कि मुरादाबाद का यह गाँव आसपास के इलाकों के लिए नजीर बना हुआ है। गांव के जागरूक लोगों का कहना है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हमें भी निभानी होगी। स्थानीय निवासी मोहम्मद जावेद ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत लालपुर गंगवारी में 3 लालपुर गंगवारी और मिलक मजरे हैं, जिसमें होने वाली साफ सफाई और कीटनाशक छिड़काव के बारे में इलाके के लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेहत के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिससे लोगों में जागरूकता फैलाते रहते हैं। इस साफ स्वच्छ और डेंगू मलेरिया मुक्त गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मच्छर मार दवाई। कहाँ कहाँ डालते हो, कौन सी जगह है ये गंगबारी? कहाँ कहाँ डालते हैं दवाई? ये पूरे से गांव में। कब से डाल रहे हैं? 2.5 साल हो गए। क्या इससे कोई फायदा है? बहुत फायदा है। क्या? मच्छर उच्छर न लगते हैं, कुछ भी नहीं लगता, लगातार 2.5 साल से। देखिए डेंगू का हमारे यहाँ 3 साल हो गए लगातार। डेंगू की दवाई हम छिड़कवाते हैं। पहले तो हमने मतलब चंदा देकर पास से ही छिड़कवाई थी। अब जो है एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मतलब सहयोग को लेकर वो छिड़कवा रहे हैं। मतलब हफ्ते में एक दिन होता और एक आदमी कर रखा हमने। हाँ, पूरे गांव में वही करता। मच्छर तो यहाँ पर बाहर से आ जाए, यहाँ के तो मर जाए हैं, बहुत कम है। पिछली बार से तो बहुत ही मतलब ना के मात्र है, 1-2 बस जी। ये अब से हम 3 साल से ये जो इसका एंटी लार्वा का जो प्रयोग हो रहा है, इससे जो बीमारियाँ हैं वो जीरो हैं। ना ही कोई डेंगू मलेरिया किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। इसकी यही वजह है जो हर सप्ताह यानी संडे के दिन दवाई का प्रयोग किया जाता है पूरे गांव में। दोनों तरफ की अगर दोनों साइड की नालियां हैं तो दोनों तरफ के ही प्रयोग दवाई का प्रयोग हो रहा है। इसी के कारण जो कि हमारे गांव में कोई ना तो डेंगू मलेरिया कोई वैसी बीमारी इस तरह की नहीं है जो मच्छर से उत्पन्न होती है। खाली जो सादा बुखार आ रहा है वो बुखार तो है, लेकिन जो मच्छरों वाली जो बीमारी है वो नहीं है। इसका कारण यही है, जैसे हर सप्ते 3 साल से इसका प्रयोग हो रहा है और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। खास बात ये साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं हम लोग, और ये नाली वगैरह जो है इनमें दवाई का प्रयोग होता हर सप्ताह, जिससे मलेरिया डेंगू के मच्छर नहीं है, यहाँ पे मरीज भी नहीं है इस तरह के। कितनी आबादी है यहाँ? आबादी लगभग 2.5 साल हो गए हैं। हाँ जी, हाँ, ये डॉक्टर साहब हैं हमारे, ये जावेद भाई, ये इसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, यही करवाते हैं। हाँ, सब सहयोग देते हैं, पूरे गांव हमारा सहयोग देता है इस काम में। हाँ, रिजल्ट मिलता है, मच्छर कम है। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में भी 2019 और 20 में बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज़ थे, लेकिन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जब केसेस हुए, हर घर में 2-2, 4-4 डेंगू के मरीज़ होने लगे थे, तो हमने गांव के साथ समुदाय के साथ मिलकर जो है एक अभियान शुरू किया। एक सामुदायिक सहयोग की भावना से हमने काम करना शुरू किया, गांव में साफ़ सफाई कराई, और फिर हमने
स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एंटी लार्वा का घोल हमने लिया और उसको फिर जन सहभागिता से हम हर रविवार को यहाँ गाँव में इसका छिड़काव कराते हैं। तो इसके इम्पैक्ट अब ये रहे कि हमारे पिछले दो साल से हमारे गांव में बिल्कुल मलेरिया डेंगू ज़ीरो पर है। हमने इसका डेटाबेस भी तैयार किया, हमने जो आसपास जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं हमने उनको एक सीट दी कि अगर गंगवारी लालपुर का कोई भी केस आता है तो हम उसका हमें बताया जाए। तो पिछले दो साल से किसी को भी डेंगू मलेरिया नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ, एक भी डेंगू का मरीज नहीं है। जनरली किसी को कोई फीवर वगैरह रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन डेंगू मलेरिया नहीं है, ये हमारा एक बहुत बड़ी सफलता है। तो हम लोग इसका जैसे गांव में छिड़काव करते हैं, हमारा जो वॉलंटियर है वो इस दवाई छिड़कते हैं, तो हम वीडियो क्लिप भी बना लेते हैं, फ़ोटो भी खींच लेते हैं, तो फेसबुक वगैरह पर या सोशल मीडिया पर हमारे कुछ ग्रुप बने हुए हैं, हम उसमें शेयर करते हैं, तो आसपास के गाँव के लोग भी जागरूक हुए हैं और वो हमसे जानकारी चाहते हैं कि कहाँ से एंटी लार्वा मिल सकता है, कैसे हम ये अपने गाँव में भी करा सकते हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें, बीमारियों से बच सकें। मैसेज यही है कि ये जो शुरुआत है ये हम सब के लिए लाभदायक है, तो ना सिर्फ ये लालपुर गंगवारी तक सीमित रहे बल्कि जहाँ तक भी इसका संदेश जाए, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और जनता की भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि वो सरकार का सहयोग करें, कुछ कदम सरकार के साथ मिलकर चलाएं, कंधे से कंधा मिलकर चलें वो, और अपने गांव को सेहतमंद बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से हम इस तरह की बीमारियों पर काबू पा सकते हैं।